और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सिपाही को गोली मारने का मामला सामने आया है। आतंकवादियों ने सिपाही को गोली मारी है। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सिपाही को गोली मारी है। आतंकवादियों ने सिपाही को गोली मारी है। फिलहाल ये ताजा जानकारी आप तक दे रहे हैं। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज अभी सिपाही का किया जा रहा है। तो गोली मारी है आतंकियों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से सिपाही को गोली मारी गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिपाही को गोली मारी गई है। आतंकवादियों ने सिपाही को गोली मारी है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रईस वानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रईस, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि घायल सिपाही को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही ये भी बताइएगा कि सिपाही की अभी हालत किस तरह की है, कैसी है? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि ये अनंतनाग के बिजबहरा की बात है, और आज दिन दोपहर के वक्त जो है एक जो मिलिटेंट हुए ने एक SPO जो पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO पे जो है गोली मार दी, और जिसके चलते जो है ये बिजबहरा के दारा शिकवा पार्क के बाहर जो है जो इस पे फायरिंग की है। उनकी जो पुलिस जो SPO है उनका नाम जो है गुलाम कदर बताया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जख्मी हुए और इसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इसकी इलाज जो है वो चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, जिस जगह इन्होंने इन पे फायरिंग की, दारा शिकवा पार्क के बाहर बिजबहरा में, और वहां पे जो है पूरे एरिया को जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पे, और सील कर दिया गया है, ताकि जिन पे हमला हुआ है और जिन्होंने हमला किया है उनको ढूंढने की कोशिशें जारी है। जी मनीषा, रईस, क्या यातायात यहाँ पर रोका गया है, और किस तरह का इलाका है, क्या व्यस्त रोड है या फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं, ये पार्क है, वहां पे दारा शिकवा पार्क है, बिजबहरा के मेन जो हाईवे है उसके साइड में ही पड़ती है, और उधर ही जो है पुलिस नाका पार्टी थी, और ये जो गुलाम कदर है ये SPO था, इस पे ही फायरिंग की है। और जो वहां पे ये बताया जा रहा है कि अभी सर्च ऑपरेशन वहां पे लगाया गया है, इनको ढूंढने की कोशिशें जारी है। आपको मैं मनीषा ये भी बात बताऊं कि कल रात की बात है, और एक नॉन लोकल जो लेबर था उस पर भी जो है मिलिटेंट ने अटैक किया था, और ये दूसरा अटैक है 24 घंटे का। अभी जो है वहां पे जो हालात है, गाड़ियों जो है वो चल रही है, अलबत्ता जो एरिया है जिस जगह ये हुआ है वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल रईस, अब देखिए 15 अगस्त भी आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी तमाम तैयारियां जम्मू कश्मीर में भी चल रही है, और ऐसे में एक के बाद एक अगर इस तरह के हमले होंगे तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाने की जरूरत है। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त की तैयारियों में ही जो है पूरे जो अगर हम बात करेंगे, तैयारियां चल रही है, हर जगह नाकाबाटी लगी हुई है, और दूसरी जानब इस तरीके के अटैक कल अगर हम नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा की बात करें, या अभी जो साउथ कश्मीर के बिजबहरा में जो अटैक हुआ है, एक तरफ से 15 अगस्त की तैयारियां और दूसरी तरफ इस तरीके के अटैक होना, और ये सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। और अभी जो है अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें, चाहे उसमें पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, CRPF हो, ये हमें हर जगह पे इन्होंने नाके लगाए हैं, और तलाशी जो है वो जारी है, और इनकी यही कोशिश हुई है। ये कल भी इन्होंने जो है अगर हम बात करेंगे, 2 दिन पहले की 5 मिलिटेंटों को इन्होंने मार गिराया है, जिसके चलते जो है ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने बोला था 15 अगस्त में ऐसा कुछ खलल नहीं पड़ेगा, आराम से जिस तरीके से ये 15 अगस्त मनाया जाएगा, सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा इन्होंने बताया था कि सिक्योरिटी हम लगाएंगे, जिस 15 अगस्त जो है उसमें कोई फंक्शन में खलल ना पड़े। मगर दूसरी तरीके से अगर हम बात करें, अभी भी अटैक हुआ, कल भी अटैक हुआ, और सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। जी ठीक रईस, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।